भाजपा के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का शनिवार को गोरखपुर पहली बार पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। नेपाल कलम में हुए समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 और 35A को समाप्त कर कलंक को मिटा दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों ने यह सपना देखा था कि एक राष्ट्र और एक संविधान लागू हो। आज उस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा कर देशवासियों के हित में एक बड़ा काम किया है। कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद और तीन परिवारों की जो राजनीति चलती थी वो आज समाप्त हो गई है। कश्मीर के शोषित, वांछित, दलित, गरीब, पिछड़ा, सामान्य कश्मीरी पंडित आज अपने को खुशहाल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सपना लग रहा था कि ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन अदम या साहस की सुरक्षा और पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए जो कलंक मिटा है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं प्रदेश के संपूर्ण कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिला स्तर पर 370 और 35A को लेकर कार्यक्रम होगा और बधाई संदेश दिया जाएगा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि लोगों के अंदर जो उत्साह है वो सामने आ सके, इसी तरह मंडलों पर 3-4 दिन के अंदर कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति भाजपा का व्यापार नहीं है, राजनीति भाजपा के लिए एक मिशन है। जो भी देश की समस्या और समस्या का समाधान और दुनिया के अंदर हिंदुस्तान सिरमौर बने, भारत माता की जय जय कार दुनिया के अंदर हो, इसी रास्ते पर एक एक कदम सरकार आगे बढ़ रही है। चाहे गरीबों का कल्याण का विषय हो, चाहे देश के बात हो, आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार कर लिया है। सभी क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने 2014, 2017 और 2019 क्षेत्रवाद और वंशवाद के ऊपर भाजपा ने कमल खिलाया। सरकार और कार्यकर्ता दोनों मिलकर जनता की सेवा करेंगे, जनता व कल्याण करना और सारी सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंचाएंगे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, अनुच्छेद 370 35A जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के करोड़ों कार्यकर्ताओं का सपना था, सपना है। डॉक्टर भीमराव सरदार पटेल का सपना, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी का सपना, आज वह सपना 370 और 35A को जो कलंक था उसको माननीय नरेंद्र मोदी सरकार, माननीय अमित शाह ने उसको समाप्त कर दिया, जिसके कारण कश्मीर से अलगाववाद, आतंकवाद और तीन परिवारों की जो राजनीति चलती थी आज वह समाप्त हुआ। कश्मीर के शोषित, वंचित, दलित, गरीब, पिछड़ा, सामान्य कश्मीरी पंडित आज सभी अपने को खुशहाल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सपना लग रहा था कि कभी नहीं हो सकता है, लेकिन अदम्य साहस, देश की सुरक्षा के लिए, पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए ये जो कलंक मिटा है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मैं प्रदेश के संपूर्ण कार्यकर्ता, संपूर्ण प्रदेशवासियों के तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, माननीय मोदी अमित शाह जी का, और बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आगे जो कार्यक्रम तय हुआ है, 11 सभी डिस्ट्रिक्ट जिला केंद्रों पर 370 और 35A के लेकर कार्यक्रम होगा और बधाई संदेश दिया जाएगा। लोगों के अंदर जो उत्साह है वो उत्साह सामने आवे, इसी तरह मंडलों पर 3-4 दिन के अंदर मंडलों पर ये कार्यक्रम होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद का मुखर्जी का बलिदान, 21 अक्टूबर 1951 का जनसंघ की स्थापना और 1953 में उनकी शहादत, बलिदान,
केवल इसी बात पर हुआ था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक ने कहा था कि कश्मीर के अंदर कोई वीजा नहीं लेगा, परमिट नहीं लेगा, वहाँ दो संविधान नहीं रहेगा, दो निशान नहीं रहेगा, दो प्रधानमंत्री। इसके खिलाफ उन्होंने मार्च किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, शेख अब्दुल्ला ने जेल में बंद किया और 23 जून 1953 को उनका बलिदान हुआ, शहादत हुआ। आज जहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, वह कश्मीर अब मेरा है और प्रकृति की भी इच्छा थी जो कश्मीर स्वर्ग जैसा, आज स्वर्ग सुरक्षित है और उसको माननीय अमित शाह मोदी जी ने, आज वहाँ के लोग खुशहाली को अपने महसूस कर रहे हैं। एक घटनाएं भी वहाँ घटित नहीं हुई, पार्टी ने निर्णय लिया है जो मैं बता दिया कि ये सभी कार्य करने हैं। दूसरा बिंदु है, माननीय योगी जी ने जो मोदी जी का सपना है जल संचयन का, जल सुरक्षित का, इसके लिए देश के अंदर वृक्षारोपण, तो उत्तर प्रदेश ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में 22 करोड़ वृक्षारोपण का काम कल बड़े पैमाने पर संचालित हुआ, जिसके कारण जल संचय होगा। इस कारण संगठन के तरफ से माननीय योगी जी को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं, ये ऐतिहासिक कदम है और सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया इस प्रकार का काम करने के लिए। यानी संपूर्ण अधिकारी कर्मचारियों को कश्मीर की संस्कृति 370 के कारण सुरक्षित नहीं थी। जब हम किसी नगर पालिका का चुनाव भी नहीं जीतते थे तब हमारे घोषणा पत्र में 370 हटाने का मुद्दा शामिल रहता था, क्योंकि हम मानते थे 370 धारा गलत है। आज 370 35 से वहाँ समाप्त हुआ है और पूरा देश खुशहाल महसूस कर रहा है। अब कश्मीर की बेटियाँ हों, चाहे अन्य राज्यों के बेटे हों, चाहे अन्य राज्यों की बेटियाँ हों, कश्मीर के बेटे हों, अब एक दूसरे जगह जा सकते हैं, आदान प्रदान हो सकता है, वहाँ रोजगार लोगों को मिल सकता है, शौचालय अब पहुँच सकता है, प्रधानमंत्री आवास पहुँच सकता है, 5 लाख आयुष्मान भारत भी वहाँ अब पहुँच सकता है। इसलिए माननीय मोदी जी ये चाहते थे कश्मीर का विकास हो, इसी कारण 80,000 करोड़ का पैकेज सबसे पहले दिया था उन्होंने। इसलिए माननीय मोदी जी का इच्छा है कि पूरा संपूर्ण समाज सबका साथ, सबका विकास और सभी का विश्वास के साथ देश आगे बढ़े, प्रगति करे और पूरी दुनिया में नाम करे, यही मुझे आप सबसे आग्रह करना। पहली बार मेरा आना हुआ, इसलिए सभी पत्रकार मित्रों को भी हृदय से मैं बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष जी कार्यकाल में आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता 2014, 2017, 2019 उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और जातिवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद के ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के 2014 में भी कमल खिलाया, 2017 में कमल खिलाया, 2019 में भी कमल खिलाया। इसलिए सरकार कार्यकर्ता दोनों मिलकर जनता की सेवा करना, जनता की कल्याण करना और जनता की योजनाएं, सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने का हम सब काम करेंगे। इसलिए 2022 भी हमारे लिए कार्यकर्ताओं के दम पर ही और कार्यकर्ताओं के बलबूते और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उनकी लोकप्रियता पर आगे की नैया हम लोग पार करेंगे। जो भी घटनाएं होती हैं राज्य के अंदर, न्याय पक्ष उसकी जांच हो, ऐसा कोई घटना लगता है तो आप डायरेक्ट हम सबसे बता सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा, ये सरकार की मंशा है और सरकार लगा है, मतलब सरकार ये काम कर रही है। जब से माननीय योगी सरकार बना है गुंडागर्दी पर लगाम है और ये आगे बढ़ रहा है। आज राज्य के अंदर इसी कारण निवेश हो रहा है, ये व्यक्तिगत कोई ऐसा कोई घटना है जिस पर न्याय नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कोई है
तो आप हमें बता सकते हैं, संज्ञान में हम लोग ले लेंगे। सभी विधानसभा में मंत्री, एक एक मंत्री, संगठन के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, ऐसे लोगों को लगा दिया गया है बूथ समिति, बूथ अध्यक्ष के बदौलत, उस विधानसभा के कार्यकर्ताओं के बदौलत, सरकार की विकास योजनाओं के, योगी सरकार की विकास योजनाओं का, माननीय मोदी जी, ये सभी को देखकर हम लोग वहाँ परिश्रम कर रहे हैं और रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा। आप सब विश्वास करें, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी, राजनीति उसका व्यापार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति एक मिशन के लिए और एक मिशन के उद्देश्य, इसलिए जो भी देश की समस्या है उस समस्या का समाधान और दुनिया के अंदर हिंदुस्तान सिरमौर बने और भारत माँ का जय जयकार दुनिया के अंदर हो, इसी रास्ते पर एक एक कदम सरकार आगे बढ़ रही है, चाहे गरीबों का कल्याण का विषय हो, चाहे देश के बात हो। आज पूरी दुनिया माननीय मोदी जी को स्वीकार कर लिया है और आज किसी न सभी क्षेत्रों में आज हम सब आगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।